स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर अगेन स्टडी सब्जेक्ट जी के चैप्टर 3 प्रिजन्स इन इंडिया, भारत की जेलें। इंडियन जेल्स हैव ऑलवेज बीन प्रेजेंटेड एज रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। भारतीय जेलों को हमेशा पुनर्वास केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देयर एम इज टू एंश्योर दैट एवरी प्रिजनर विल बी टॉट द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड विल बी मोटिवेटेड टू लिव इन अ बेटर वे। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कैदी को जीवन का मूल्य सिखाया जाए और बेहतर तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया जाए। गिवन बिलो आर इमेजेस ऑफ सम प्रिजन्स ऑफ इंडिया। नीचे भारत की जेलों की कुछ इमेजेस दी गई हैं। आइडेंटिफाई द दैम एंड नेम दैम इन द स्पेस प्रोवाइड। इनको पहचानना है और उनके नीचे जो स्पेस दिया गया है वहां पर उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट, दिस प्रिजन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड हैज द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रिजन्स इन साउथ एशिया। यह जेल नई दिल्ली में स्थित है और यह दक्षिण एशिया में राजद्रोह का सबसे बड़ा परिसर है, यानी कि जेल है। The objective of this prison's staff is to change its prisoners into improve the human being by giving them service abilities, education and respect for the law. यहाँ के स्टाफ का उद्देश्य अपने कैदियों में सुधार लाना है, मानव उन्हें सेवा भाव और कानून के लिए सम्मान देकर शिक्षा देता है। इस जेल का नाम है तिहाड़ जेल। Second, this is a high security central prison located in Maharashtra. It is one of the biggest prison of South Asia and the biggest one in Maharashtra. यह एक उच्च सुरक्षा केंद्रीय जेल है जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है जो महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी हैज बीन इन पर्सन हियर एट द टाइम ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन द 1930s एंड 1940s। महात्मा गांधी 1930 से लेकर 1940 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्हें यहां कैद किया गया था। तो यह कौन सी जेल है? यरवदा सेंट्रल जेल। Third, this prison is situated in Trivallular, Chennai. यह जेल त्रिवल्लुलर चेन्नई में स्थित है। It is known for its large complex, which is also greater in size than any other accessible office. यह अपने बड़े कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है, जो किसी भी अन्य सुलभ कार्यालय की तुलना में आकार में अधिक बड़ा है। इट है